आज की वर्कशॉप एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के हवाले से थी। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन दरअसल एक तरीक़ाकार है जो कि पिछले 25-30 साल से वेस्ट में तो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुका है। और पर्पज़ क्या है कि हम जब अपने पेशेंट्स को देखते हैं तो उस प्रोसेस में जो हमने डिसीजन मेकिंग है, फ़ैसले करने हैं, उसमें से जो दो बड़े कंपोनेंट्स हैं उस फैसले के, एक ऐसा रिसर्च एविडेंस जो बहुत ही वैलिड हो, और दूसरा जो मरीज़ जो कि उस पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा भी ले। सो मेरी एज ए डॉक्टर या क्लिनिशियन जो एक्सपर्टीज़ है, वो जब तक मरीज़ की अपनी वैल्यूज़ के साथ, उसके बैकग्राउंड के साथ, उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ, और जो मैं बेस्ट एविडेंस या बेस्ट रिसर्च एविडेंस अप्लाई करना चाहता हूँ, चाहे वो मरीज़ का डायग्नोसिस हो, चाहे उसकी वो ट्रीटमेंट के हवाले से हो, वो जब ये सारे नहीं मिलेंगे तो उस वक्त तक हम एक बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसको करने की बड़ी वजह क्या थी? 90s में जब ये तहरीक चली तो उसके पीछे यही था कि हर कोई यही कहता था कि हम तो एविडेंस ही प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि एविडेंस जो है, जो रिसर्च है, उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी वेरिएबल है, तो वो उस क्वालिटी को लोग उस तरीके से प्रेज नहीं करते थे, जानते नहीं थे। तो वक्त के साथ साथ लोगों ने जाना कि एविडेंस की जो क्वालिटी जब तक नहीं आएगी, उस वक्त तक हम अपनी पेशेंट्स के हवाले से ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के फैसले अगर करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ विम्सिकल होंगे, या वो एटलीस्ट वो एविडेंस बेस्ड नहीं हो सकते। ज़्यादा होनी चाहिए, फ्रीक्वेंट होनी चाहिए हमारे फिजिशियंस को, न्यू जनरेशन को, क्लिनिशियंस को, किस तरह एविडेंस यूज़ करना है अपनी प्रैक्टिस में। दैट वाज ब्यूटीफुली कैप्चर्ड टुडे। माय एक्सपेक्टेशन वाज फुली मेट। दिस इज़ व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, दैट वर्कशॉप विल फोकस ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड इट एंटरटेन द पब्लिक हेल्थ, द क्लिनिकल प्रैक्टिस, द टीचिंग, द स्किल्स, एवरीथिंग इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। So it was really a very successful and effective workshop, and we are hoping and requesting the institution to have more such kind of workshop with enough time. एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जिसका मतलब है कि शवाहद और सबूत की नज़र को रोशनी में मर्ज़ का इलाज करना, ये आज की अशद ज़रूरत है, और ये एक साइंटिफिक अमल है जिसके ज़रिए हम अपने मरीज़ों का बेहतर इलाज कर सकते हैं और उनको बेहतर सर्विसेज दे सकते हैं। तो ऐसी वर्कशॉप्स मुस्तकिल होते रहनी चाहिए ताकि इससे हमारे कॉन्स्टेंटली इल्म में इजाफा हो और हम सीखने के उस सीढ़ी पर आगे चढ़ते रहें।